क्या ध्रुव और तारा कभी नहीं मिल पाएंगे? क्योंकि ध्रुव सामने है, 19वीं सदी में आ चुका है, लेकिन तारा फिर भी उससे छिप रही है। तो चलिए बताते हैं क्या है बड़ी वजह जिसकी वजह से तारा ध्रुव के सामने नहीं आ रही है। वेल दोस्तों, सोनी सब टीवी के मोस्ट पॉपुलर सीरियल ध्रुव तारा समय सदी से परे के आने वाले ट्रैक की कहानी बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको देखने को मिलेगा किस तरह से ध्रुव और तारा दोनों आमने सामने होंगे, लेकिन यहाँ पर तारा जो है ध्रुव को चकमा देकर वहाँ से भाग निकलेगी। लेकिन तारा ये सब क्यों कर रही है, इसके पीछे की कौन सी बड़ी वजह है? क्योंकि पहले जब ध्रुव को सांप काटेगा तब तारा उसे बचाने के लिए सम्राट सिंह से ही नहीं बल्कि देवगढ़ के बहुत सारे लोगों से लड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन दूसरे ही पल जब ध्रुव को होश आ जाएगा तो तारा उससे छिप क्यों रही है? पर आप तो जानते हैं कि अभी जो है सम्राट सिंह ध्रुव से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका है, क्योंकि ध्रुव ने सम्राट सिंह के बेटे शौर्य की जान बचाई है, जिसके लिए ध्रुव बहुत खुश हो रहा है। क्योंकि ध्रुव को कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि शौर्य से उसका कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। तो वहीं पर बात करें सम्राट सिंह की, तो सम्राट सिंह को ये पता ही नहीं है कि ये ध्रुव कोई और नहीं बल्कि शौर्य के असली पिता और तारा का पहला पति है। अब ये सारी बातें जब सम्राट सिंह के सामने खुलेंगी तब तो सीरियल का ट्रैक इंटरेस्टिंग होगा ही, लेकिन आने वाले ट्रैक में और भी बहुत सारी चीजें होंगी। पर आप देख सकते हैं किस तरह से सम्राट सिंह ने शौर्य को गोद में लिया है और वो ध्रुव के सामने खड़ा है, जहां ध्रुव से कहता है आप मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या करूं, आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं, ये पूरा राज्य जो आपको चाहिए सिर्फ एक बार कह दीजिए। तो वहीं पर ध्रुव जो है वह कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इस बच्चे की जान बच गई, यही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। ये सारी बातें हो जाती है। अब वहीं पर आप देखेंगे कुछ लोग जो हैं वो सम्राट सिंह के हाथों नहीं मरना चाहते हैं, तो वो लोग खुद जहर पी लेते हैं, जिसके बाद ध्रुव जो है उनको बचाने के लिए खुद भी सांप का जहर पी लेगा, जिसके बाद जो है ध्रुव की जान खतरे में होने वाली है। अब ध्रुव कहीं और नहीं बल्कि जाने वाला है देवगढ़ के राजमहल में, जहां पर ध्रुव का इलाज करने के लिए आने वाली है तारा। जी हाँ, आप देख सकते हैं कैसे तारा सम्राट सिंह दोनों खड़े हैं, जहां पर ध्रुव नीचे लेटा हुआ है। तो वहीं पर तारा जो है वो कहती है कि मैं खुद इस इंसान का इलाज करूंगी, जिसके बाद वहां के लोग यानी कि सम्राट सिंह का भाई जो है वो भड़क जाता है और कहता है कि नहीं, कि राजमहल की औरत एक ऐसे इंसान को कैसे छुएगी। तो ये सारी बातें चल रही होती है जहाँ सम्राट सिंह तारा का साथ देते हैं। वहीं एक और मूवमेंट आया जहाँ पर तारा जो है रेड कलर के लहंगे में नजर आ रही है, तो वहीं ध्रुव दूसरी ओर खड़ा है, जहाँ पर ध्रुव को एहसास हो गया है कि उसकी तारा उसके पास ही है। तो वहीं पर तारा जो है वो ध्रुव से छिपती हुई नजर आएगी, क्योंकि जब ध्रुव उस इंसान के पास जाने की कोशिश करेगा तो आपको देखने को मिलेगा किस तरह से तारा की ननद वहां पर खड़ी होने वाली है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि तारा ने ये सब क्यों किया है। पर आपका क्या कहना है, क्या ध्रुव तारा एक होंगे? कमेंट करके अपनी राय भी बताइएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो करें।